वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि किसी को ना भ्रष्टाचार करने की छूट दी जा सकती है, ना ही किसी को कानून के उल्लंघन का विशेषाधिकार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जेएमएम विधायक सीता सोरेन की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल पुराने फैसले को पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को भ्रष्टाचार की छूट नहीं। सीता सोरेन पर चलेगा हॉर्स ट्रेडिंग का मामला। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल पुराने अपने फैसले को पलट दिया। 7 बेंचों की खंडपीठ ने कहा है कि किसी को भी भ्रष्टाचार करने की छूट नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को कानून के उल्लंघन करने का विशेष अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पीएम मोदी के साथ बीजेपी ने स्वागत किया है। आज जो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया है, किसी को लूट की छूट नहीं। आप पैसा लेकर प्रश्न करो, क्या लोकतंत्र इसी से चलेगा? लोकतंत्र कहते हैं लोकलाज से चलता है। आप पैसा लेकर प्रश्न करो, ये निश्चित रूप से यह अच्छा निर्णय है और हम कह सकते हैं कि किसी को छूट नहीं, एक कानून में सब बंधे हैं। 2012 में राज्यसभा चुनाव के दौरान सीता सोरेन पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप, पैसे लेकर एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने का आरोप। सीता सोरेन के खिलाफ दर्ज हुआ था आपराधिक मुकदमा। सीता सोरेन को हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत। सीता सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। आपराधिक मामलों से छूट देने की थी मांग। सांसद रिश्वत कांड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया था हवाला। 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार बचाने के लिए सांसदों ने दिया था वोट। शिबू सोरेन, शैलेंद्र महतो, सूरज मंडल और साइमन मरांडी ने दिया था वोट। पैसे लेकर वोट देने का आरोप बाद में सीबीआई ने शुरू की थी जांच। 1998 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने सुनाया था फैसला। सांसदों को संसद के भीतर दिए भाषण या वोट के बदले आपराधिक मुकदमे की छूट। अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत सांसदों को छूट। सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल पुराने अपने फैसले को पलटा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बाबूलाल मरांडी ने स्वागत किया है, साथ ही सोरेन परिवार पर निशाना साधा है। पैसा वसूलना, अरे लोग बेसिकली पॉलिटिक्स ही इसीलिए करते हैं। पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे वसूला जाए, कैसे इकट्ठा किया जाए, एकमात्र इन लोगों की धंधा है वो पैसा कमाना, पैसा एकत्रित करना, पैसा लूटना। इनकी जनता की भला करना नहीं, इन्हें राजनीति इन लोगों के लिए सेवा नहीं बल्कि स्वार्थ पूर्ति का इन परिवारों के लिए साधन मात्र। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं शिबू सोरेन समेत सांसद रिश्वत कांड के सभी आरोपियों की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।